हाय, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल दर्शक गेमिंग। आज की वीडियो है हमारी AMD रेडियन सॉफ्टवेयर के बारे में कि उसके AMD रेडियन सॉफ्टवेयर के हम कैसे FPS ओवरले को हम कैसे उसको ऑन कर सकते हैं, उसका GPU टेम्परेचर कैसे चेक कर सकते हैं, RAM यूटिलाइजेशन कैसे चेक कर सकते हैं, और सबसे इम्पोर्टेंट हर गेम के FPS AMD में कैसे शो करा सकते हैं, तो उसके लिए ये मैंने वीडियो बनाई है। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। आपने सबसे पहले AMD रेडियन सॉफ्टवेयर में परफॉर्मेंस पे जाना है। परफॉर्मेंस में जाके आपने मैट्रिक्स ओवरले का ये टिक करना है। इसको यहाँ पे आ जाएगा GPU, VRAM और CPU और RAM। तो आपने इसमें से एक या दो चीज़ें मुझे पसंद है ऑन रखना चाहिए, क्योंकि ज़्यादा लंबी हो जाती है। अगर आप GPU को ऑन करते हैं उसमें सिर्फ करंट टेम्परेचर को ऑन रखें तो बाकियों को आप ऑफ कर सकते हैं। अब जाएंगे हम ट्यूनिंग में। ट्यूनिंग में जाके आपने क्लिक करना है ऐड गेम प्रोफाइल में। ऐड गेम प्रोफाइल में क्लिक करने के बाद आपने ऐड पे जाना है। ऐड पे क्लिक करने के बाद आपकी गेम लुक जहाँ पे भी इंस्टॉल होगी आपने वहाँ पे जाना है। मेरी ये डी में इंस्टॉल थी। आपने TX गेम असिस्टेंस पे जाना है, वहाँ से UI में जाना है और वहाँ जाके एंड्रॉयड एमुलेटर ऐड करना है। मैं फिर बता रहा हूँ, आपने एंड्रॉयड एमुलेटर ऐड करना है, गेम लूप को ऐड नहीं करना। अगर आप गेम लूप को ऐड करेंगे तो आपके FPS शो नहीं होंगे। उसके बाद आप वापस मैट्रिक्स में आएंगे। मैट्रिक्स ओवरले ऑन करेंगे तो आपके यहाँ पे करंट टेम्परेचर और RAM यूटिलाइजेशन शो होगा। लेकिन इसकी मैं आपको थोड़ी सी एक सेटिंग बता देता हूँ। थोड़ा सा आप मैट्रिक्स सेटिंग में जाएंगे, वहाँ से यहाँ पे आ रहा होगा शो इन वीडियो एंड स्ट्रीम पुट आउट। ये मैं अगर आप एक वीडियो रिकॉर्ड करते हैं तो उसमें आपके FPS शो नहीं होंगे। आपके वैसे आपके पास FPS शो हो रहे होंगे, लेकिन अगर आप रिकॉर्डिंग करते हैं तो वहाँ पे आपके FPS शो नहीं होंगे। अगर आप इसको अनेबल करेंगे तो फिर आपके FPS शो होना शुरू हो जाएंगे। उसके बाद आती है लोकेशन। लोकेशन मतलब आप FPS ओवरले टॉप राइट पर रखना चाहते हैं, टॉप लेफ्ट पर रखना चाहते हैं, बॉटम पर रखना चाहते हैं, सारी आपकी मर्ज़ी है। जहाँ पे आपको सूट लगता है आप वहाँ पर रख सकते हैं। मैं टॉप राइट पर रखता हूँ। उसके बाद आता है साइज़। आप ओवरले का साइज़ कितना बड़ा करना चाहते हैं। 150% पे हो सकता है, 200 पे हो सकता है। मैं ज़्यादातर 100 पे रखता हूँ। वीडियो के लिए मैं 150% यूज़ कर रहा हूँ। के बाद आती है ट्रांसपेरेंसी, यानी आप इसको ओवरले को लाइट रखना चाहते हैं या डार्क रखना चाहते हैं। मैं 70 रखता हूँ आमतौर पर, लेकिन वीडियो में आपको क्लियर नज़र आए तो उसके लिए मैं 90 रख देता हूँ। उसके बाद आता है टेक्स्ट कलर। आप यहाँ से ग्रीन भी कर सकते हैं, ब्लू भी कर सकते हैं, वाइट भी कर सकते हैं। और एक यहाँ पे ऑप्शन है कस्टम की। कस्टम की आपको अगर जैसे मैं रेड करना चाहता हूँ, रेड आप गूगल से रेड कलर का कोड देख सकते हैं और उसको कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट कर दें और मेरा तो आप देख सकते हैं कि मेरा जो है ना FPS ओवरले रेड में आ गया। तो बाकी मैं आपको गेम चला के दिखाता हूँ, तो उसमें देखते हैं कि FPS शो होते हैं। पे हमारी गेम स्टार्ट हो चुकी है और यहाँ पे अभी FPS शो नहीं हो रहे। इसलिए नहीं हो रहे कि जब हम स्क्रीन फुल करेंगे ना तो हमारे वहाँ पे गेम के FPS शो होना शुरू हो जाएंगे। वो देखिए हमारे FPS आना शुरू हो गए हैं, 55, 58, 60। तो एक गेम लगा के देखते हैं। ये आप देख सकते हैं कि FPS हमारे प्रॉपर शो हो रहे हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताना और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आइंदा मेरी वीडियो आपको दिखाने से पहले।